राजस्थान के गांव वीर मानसी में जगदीश शर्मा। किसान भाइयों, जैसा कि आप जानते हो, इन दिनों के जून का मध्यम महीना चल रहा है, तो इस जून में हम ग्वार की फसल की बुआई कर सकते हैं। तो ग्वार की कौन सी किस्म हमारे यहाँ सबसे उपयुक्त मानी गई है, उसके बारे में संक्षेप में मैं आपको बताने का प्रयास करूँगा। जैसा कि आप यहाँ इस टेबल पर ये पैकिंग देख रहे हो, ये डीके सीड्स श्री गंगानगर से ग्वार हमारे पास यहाँ उपलब्ध है, और ये HD 365 ये एक बहुत अच्छी किस्म मानी गई है। आप ये देख सकते हैं इस पैकेट को, ये हमारे यहाँ श्रीगंगानगर का जो रेतीला भूभाग है, आमतौर पर ज़्यादा रेतीला भूभाग है, और इसके अलावा जो काली मिट्टी की जो भूमि है वहाँ भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो 2 किलो प्रति बीघा के हिसाब से इसका आप इस्तेमाल करें। ये आपको बता दूँ किसान भाइयों, फैलने वाली किस्म है ये। पौधे से पौधे की दूरी अगर हम ज़्यादा रखते हैं 3 फीट तक या 4 फीट तक, फिर भी कोई चिंता की बात नहीं है। पैदावार की दृष्टि से सबसे उपयुक्त किस्म मानी गई है, और ये मैं इसका जो बीज है वो आपको थोड़ा दिखा दूँगा, आप जूम के माध्यम से देखिएगा। ये देखिए, ये जो बीज है ये इस प्रकार का, यहाँ HD 365 ये गुवार की किस्म का आप इस चैनल के माध्यम से बीज देख रहे होंगे, ये बहुत अच्छी किस्म मानी गई है। तो मैं आपको यही एडवाइस करूँगा कि आप ज़्यादा समय न गवाते हुए आप इस 365 ग्वार का इस्तेमाल करें। 365 जो किस्म है ग्वार की, इसका इस्तेमाल आप करें। तो ये थी आज की ग्वार के बारे में संक्षिप्त में जानकारी। हम पुनः उपस्थित होंगे कभी किसी और दिन, कभी किसी और विषय पर। तब तक नमस्कार।